हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत मलिक आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक आज हमारा फिजिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, आज मदर्स डे है और मदर्स डे हम सबकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो मेरी लाइफ में भी रियली एक इम्पोर्टेंट दिन है। अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा, मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही झगड़ा करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा प्यार भी अपनी माँ को ही करता हूँ। और इवन माँ के लिए मैं एक दिन का फास्ट भी रखता हूँ। आप अपने भगवान के लिए रखते हैं, अच्छी बात है, उनके लिए भी रखा जाता है, पर मैं अपनी माँ के लिए भी एक दिन का फास्ट रखता हूँ। तो अब कुछ लाइनें लिखी है मैंने माँ के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सुने, स्टार्ट करते हैं। क्या शख्सियत बयां करूँ मैं माँ की, क्या शख्सियत बयां करूँ मैं माँ की, जिसने बचपन से रोते को चुप कराया, जिसने बचपन से रोते को चुप कराया है। मुझे थोड़ी सी जो चोट लगी, तो रात भर खाना तक नहीं खाया, खुद सोई है गीले में, और मुझे हमेशा सूखे में ही सुलाया है, और बचपन में जब पापा की डांट पड़ी, तो माँ ने ही हमें बचाया है, और माँ के आंचल की छाँव में मैंने बचपन में खूब गुल खिलाया है, पापा से कभी पैसे नहीं मांगे, जो मांगा वो माँ ने ही दिलाया है, और एट लास्ट दो इम्पोर्टेंट लाइन। माना जवान हो गया हूँ मैं और दिमाग से भी खुद को मजबूत बनाया है, पर आज भी अपनी बूढ़ी माँ को मैंने खुद से मजबूत पाया है, तो एट लास्ट थैंक यू। अच्छी लगे तो शेयर करें। और एक बात और बोलना चाहूँगा बेटा, आप लोगों को या सभी फ्रेंड्स को, कि हम, हमारी माँ है जो हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी 365 दिन काम करती है, दिन रात लगी रहती है। पर मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग मिलके अपनी माँ को एक दिन की, आज के दिन मदर्स डे पे छुट्टी देने की कोशिश किया करें, ताकि उन्हें भी लाइफ में कुछ स्पेशल फील हो, आपका प्यार उन्हें मिले। बस एक दिन की छुट्टी बेटा, हर कोशिश करो, हर दोस्त, हर फ्रेंड, बड़ा छोटा सब कोशिश करें एक दिन की माँ को छुट्टी दी जाए। एट लास्ट थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे, थैंक्स।